होम वर्कआउट्स। आपको लगता है कि इन्हें करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इनका नाम सुनते ही सोचते हो यार, और इसीलिए आप इन्हें बहुत ही हाफ हार्टेडली और कम इंटरेस्ट के साथ करते हो। इस तरह करने से रिजल्ट्स कम मिलते हैं और वही साइकिल रिपीट होती है। आज के वीडियो में मैं आपको 10 अलग अलग चीजें बताऊंगा जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपके होम वर्कआउट का इफेक्ट और मजा दोनों बढ़ जाएगा। चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं टिप नंबर 1 पे, जो है कि अपने रेस्ट पीरियड्स छोटे रखो। होम वर्कआउट्स करते समय हम ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ज्यादा चीजें हमारे आसपास जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, और इससे हमारे रेस्ट पीरियड्स 2-3-5 मिनट तक चले जाते हैं, 10 मिनट हो जाते हैं, कभी कभी तो ऐसा भी होता है। हाँ बोल बोल, मैंने तेरे को मीम भेजा, चेक कर ना, चेक कर। पोलर बेयर्स आर एक्सीलेंट स्विमर्स। 30 सेकंड से 1 मिनट का रेस्ट पीरियड होना चाहिए आपका। इससे ज्यादा अगर आप रेस्ट कर रहे हैं तो वो जरूरत से ज्यादा है, क्योंकि आपके पास लाइट लोड्स है, आपकी इंटेंसिटी ज्यादा हाई नहीं रह सकती, तो ज्यादा रेस्ट करके आप उसी प्रॉब्लम को और बढ़ा रहे हो, इसीलिए 30 सेकंड से 1 मिनट तक रेस्ट लेना है। टिप नंबर 2, आसान एक्सरसाइजेस में फेलियर तक जाना है। फेलियर से मेरा मतलब है कि हर एक सेट को तब तक करो जब तक आप और रेप्स नहीं कर सकते। अगर आप किसी भी एक्सरसाइज के 15 रेप कर सकते हो लेकिन 12 पे अपने आप को रोक रहे हो तो वो मत करो, फेलियर तक जाओ। देखिए, मसल ग्रोथ के 3 मैकेनिज्म्स होते हैं, एक है मैकेनिकल टेंशन, एक है मसल डैमेज, और तीसरा है मेटाबॉलिक स्ट्रेस। अब होम वर्कआउट में हम पहले 2 का इस्तेमाल ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि हमें मॉडरेट से हैवी वेट चाहिए होती है, लेकिन तीसरी चीज जो है मेटाबॉलिक स्ट्रेस, इसका क्या मतलब है, जो आपको बर्न फील होती है, जो आपको पंप आती है वर्कआउट करते समय, और ये हमें लाइट लोड से आती है, जैसे आपका बॉडी वेट हुआ या 5-10 किलो के डंबल्स जो आपके घर पे, उससे आती है। लैक्टिक एसिड बिल्डअप होता है आपकी मसल में और इससे हम कहते हैं मेटाबॉलिक स्ट्रेस। और ये कैसे हमें मिलती है, फेलियर तक जाने में। हर एक सेट को फेलियर तक लेके जाना है, स्पेशली अगर आप आसान एक्सरसाइजेस कर रहे हो, फॉर एग्जांपल पुशअप्स कर रहे हो या बाइसेप के कर्ल्स लगा रहे हो और आपके पास 5-10 केजी के डंबल है, आप 20-30 रेप कर पा रहे हो, इससे जो मेटाबॉलिक स्ट्रेस की मैंने बात की थी उसका पूरा एडवांटेज उठा पाओगे और इससे आपकी मसल ग्रोथ और बढ़ जाएगी। टिप नंबर 3, अपने सराउंडिंग्स को इग्नोर मत करो। होम वर्कआउट के बारे में सुनते ही आप अपना दिमाग बंद कर लेते हो और एकदम आपका मूड खराब हो जाता है, क्यों? अगर आप खुले दिमाग के साथ आसपास देखोगे तो आपको नोटिस होगा कि और बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अपने मसल्स को अलग अलग वेज में टारगेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक डाइनिंग टेबल है, उस पर आप इफेक्टिवली अपनी बैक की एक्सरसाइज कर सकते हो इन्वर्टेड रोज करके, और आप अपने ट्राइसेप्स को भी अच्छे से ट्रेन कर सकते हो इस तरह। अगर आपने मेरी 3 बॉडी वेट ट्राइसेप एक्सरसाइजेस की वीडियो नहीं देखी है तो उसको मैं यहाँ छोड़ दूंगा, वो देख लेना, पहले ये वीडियो कंप्लीट कर लो उसके बाद। टिप नंबर 4, प्रोग्रेसिव ओवरलोड का इस्तेमाल करो। प्रोग्रेसिव ओवरलोड से मेरा मतलब है वॉल्यूम बढ़ाना। वॉल्यूम क्या होता है, सेट्स इंटू रेप्स इंटू वेट। अगर आपने पिछली बार किसी एक्सरसाइज के लिए 3 सेट 10 रेप के लगाए थे तो इस बार 4 सेट लगाओ। अगर आप 10 रेप में फेल हुए थे तो आई कैन गारंटी कि इस बार आप 11 या 12 कर पाओगे। और अगर कोई एक्सरसाइज आपके लिए बहुत आसान हो जाती है, आप 20-25-30 रेप कर पाते हो, तो या तो आप एक बैग पहन सकते हो जिससे आपका वेट बढ़ जाएगा, या आपके पास एक और ऑप्शन है, आप उसी एक्सरसाइज का थोड़ा मुश्किल वर्जन ट्राई कर सकते हो, जो मुझे लाता है अगले पॉइंट पे कि हर एक एक्सरसाइज के थोड़े से मुश्किल वर्जन ढूंढो और उन्हें ट्राई करो। फिर से पुशअप्स का एग्जांपल ले लो, अगर आपके लिए बहुत इजी हो गया है, डिक्लाइन पुशअप्स ट्राई करो जिसमें आपके पैर किसी ऊंचे सरफेस पे रहते हैं, इससे आपके अपर चेस्ट पर ज्यादा स्ट्रेस आएगा और ये ज्यादा डिफिकल्ट वर्जन है एक्सरसाइज के। तो अगर आप नॉर्मल पुशअप के 30 कर पा रहे हो तो शायद इसके आप 15 या 20 कर पाओ। एक और ऑप्शन है, आप डायमंड पुशअप्स ट्राई कर सकते हो जिसमें ग्रिप ऐसे रहती है, बहुत नैरो रहती है, आपके ट्राइसेप्स पर ज्यादा एम्फोसिस आएगा और ये और डिफिकल्ट वर्जन है इस एक्सरसाइज की। एक और चीज जो आप कर सकते हो जिससे बहुत हेल्प होती है, डेफिसिट पुशअप्स करो। डेफिसिट पुशअप्स मतलब आपके पाम्स जो है वो किसी ऊंचे सरफेस पर है, इससे आपके चेस्ट पर और गहरा स्ट्रेच होगा, आपको ज्यादा मसल बर्न फील होगा, मेटाबॉलिक स्ट्रेस का ज्यादा आप एडवांटेज उठा पाएंगे इससे। तो हर एक एक्सरसाइज की और मुश्किल वर्जन करने से आप ये बात पक्की कर लोगे कि आप खुद को चैलेंज कर रहे हो। जब एक्सरसाइज इजी लगती है उसका थोड़ा मुश्किल वर्जन निकालो और अपने आप को अनकंफर्टेबल रखो, क्योंकि जैसे ही आप कंफर्टेबल हुए प्रॉब्लम्स वहां से स्टार्ट हो जाती है, आपके रिजल्ट्स वहां से स्लो हो जाते हैं। टिप नंबर 6, अगर आपके पास खुद का डंबल नहीं है तो बनाओ। अपने आप को इतना लिमिट मत करो, बहुत आसान है, एक बैग लो और अपने घर में जो भी बॉटल्स है सबको पानी से भर दो और अपने बैग में डाल दो, आपके पास इंस्टेंटली एक 10-12 केजी का डंबल आ जाएगा। अगर आपके पास ग्लास के बॉटल्स है तो और भी बेहतर, उनको टॉवल में लपेटो ताकि वो अंदर टूटे ना, और फिर आपके पास अपना खुद का डंबल है, और ये करके आप अपने लिए बहुत सारी और एक्सरसाइजेस अनलॉक कर लेते हो। टिप नंबर 7, अपने बैक को इग्नोर मत करो। बैक को कौन ट्रेन करेगा, किसको दिख रहा है, क्या फर्क पड़ता है ना।
अपने बैक को इग्नोर करने से ना ही आप मसल इम्बैलेंस की ओर तेजी से बढ़ रहे हो, लेकिन ये लॉन्ग रन में आपकी पोस्चर को खराब कर देगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक एक्सरसाइज चूज करिए अपने बैक के लिए। अगर आपके पास डाइनिंग टेबल है तो वहां पर जैसे मैंने कहा था आप इन्वर्टेड रोज कर सकते हो, नहीं तो अगर पुलअप बार है तो पुलअप्स करो, सिर्फ पुलअप्स करो, काफी होता है। एक और ऑप्शन है, आप अपने डंबल के साथ अपने कुर्सी पर इस तरह से डंबल पुलओवर्स कर सकते हो। इस एक्सरसाइज के बारे में मैंने अपने वन डंबल 15 एक्सरसाइजेस वाली वीडियो में बात करी थी, यहाँ पर छोड़ दूंगा। टिप नंबर 8, माइंड मसल कनेक्शन पे फोकस करो। होम वर्कआउट्स में अक्सर क्या होता है, हम पुशअप्स करते हैं, पुलअप्स करते हैं, हमारे फ्रेंड्स को इम्प्रेस करने के लिए हमें ज्यादा करने का मन करता है, और इसी चक्कर में हम माइंड मसल कनेक्शन के बारे में सब चीज भूल जाते हैं। माइंड मसल कनेक्शन से मेरा मतलब है कि जब आप एक्सरसाइज को कर रहे हो, हर एक रेप में आपको अपने मसल के बारे में सोचनी है, पूरी तरह नीचे जाना है, पूरी तरह ऊपर आना है, और रेप के दौरान आपका फोकस पूरी तरह मसल पर होना चाहिए, उसकी कॉन्ट्रैक्शन पर होना चाहिए। और अगर आप ऐसे करोगे जरूर आपके रेप्स थोड़े कम हो जाएंगे, लेकिन इन चक्रों में मत पड़ना कि मैंने 50 कर लिए, मैंने 100 पुशअप्स कर लिए। माइंड मसल कनेक्शन बहुत जरूरी है, इससे क्या होगा आपके मसल की बर्न जो है, जो लैक्टिक एसिड बिल्डअप होती है, मेटाबॉलिक स्ट्रेस जो होता है वो बढ़ जाएगा, और इससे आपकी मसल ग्रोथ बढ़ जाएगी। प्लीज अपने हाफ रेप्स वाले 100 पुशअप्स और 100 पुलअप्स के पीछे मत भागो, फुल रेप्स करो, माइंड मसल कनेक्शन के साथ करो। टिप नंबर 9, पॉज रेप्स, 1.5 रेप्स और टेम्पो रेप्स का इस्तेमाल करो। ये कुछ टेक्निक्स है जिससे आप अपने सिंपल और इजी एक्सरसाइज को भी मुश्किल कर सकते हैं। 1.5 रेप से मेरा मतलब है कि आप एक रेप पूरी करो और नेक्स्ट रेप जो है वो हाफ रेप करो। और अगर आपको कोई एक्सरसाइज बहुत इजी लग रही है और मसल पे आप फील ही नहीं कर पा रहे उसको, तो 1.5 रेप्स ट्राई करो। एक और तरीका है पॉज रेप्स। पॉज रेप्स मतलब आप नीचे जहां पर एक्सरसाइज सबसे मुश्किल होती है वहां 2-3 सेकंड तक पॉज करोगे। फॉर एग्जाम्पल पुशअप्स में आप नीचे पॉज करोगे, पुलअप्स में ऊपर पॉज करोगे, इससे आपकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, एक्सरसाइज की डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगी। तो इन 3 टेक्निक्स को जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको कैसा लगा। टिप नंबर 10, ये बहुत बड़ी गलती है, एक दिन में सिर्फ एक मसल को ट्रेन करना। जब आप ऐसे करते हो, इसको ब्रो स्प्रिट भी कहते हैं, तो आप हफ्ते में एक मसल को सिर्फ एक बार ट्रेन करते हो, और जब आप वर्कआउट करते हो तो उसके 48 से 72 आवर्स यानी 2 या 3 दिन के अंदर ही आपका मसल पूरी तरह रिकवर हो जाता है और अगले वर्कआउट के लिए रेडी हो जाता है। तो जब आप हफ्ते में एक बार ट्रेन करते हो तो 6 दिन का गैप होता है बीच में, पहले 2-3 दिन में वो रिकवर हो गया, आप उसको फिर से एक और बार ट्रेन कर सकते हो और एक और बार रिकवर भी कर सकते हो उन 6 दिनों में। इसीलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि या तो आप लेग्स पुश पुल करो, अपर लोअर स्प्लिट फॉलो करो, या अगर आप चाहे तो फुल बॉडी भी कर सकते हो। जो स्प्लिट फॉलो करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आता है वो स्प्लिट फॉलो करो, लेकिन 1 day 1 मसल वाला मत करना प्लीज। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। होम वर्कआउट्स इतने भी बुरे नहीं होते, ये 10 टिप्स को फॉलो करना, मैं गारंटी देता हूँ कि आपके होम वर्कआउट्स और बेहतर हो जाएंगे, आपको और मजा आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना, और शेयर करना किसी एक फ्रेंड के साथ। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।